subscribe to watch more videos, and press the bell icon to get notified. नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में प्यार भरी स्वागत। तो दोस्तों, माफी चाहते हैं कि अपना जो फ्रंट फेसिंग वीडियो बना नहीं पाए, ताकि थोड़ा तबीयत बिगड़ा हुआ है। तो दोस्तों, तबीयत ठीक होने के तक ऐसे ही काम चलाएंगे। तो दोस्तों, आप फिर भी इस वीडियो में बहुत सारा कमेंट्स और अपना प्यार जताए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो भी उस वीडियो के रिलेटेड है। तो दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो की स्टार्टिंग में एक छोटी सी वीडियो क्लिप, 3D एनिमेशन क्लिप देखे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि आपको पता है, अपना स्मार्टफोन से ही प्रिपेयर किया गया है। तो दोस्तों, इसी के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और तो और, इसमें हम एनिमेशन में कैसे की फ्रेम डालते हैं, इस टॉपिक को भी आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो से बने रहिए अंत तक, और छोटे छोटे ट्रिक्स एंड इंफॉर्मेशन भी आपको वीडियो से मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, ताकि आपको छोटी छोटी जो बातें आपको पता चल सके। तो दोस्तों, इसी के लिए आपको, जैसे कि देखे हैं अपने, आपको दो मॉडल्स की ज़रूरत है, जो कि वाटरफॉल की मॉडल और अपना जो हेलीकॉप्टर की मॉडल। तो उसके मॉडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका डाउनलोड लिंक। आपको उस ब्लॉग से आपको 3 तरीके का ब्लॉग्स डाउनलोड करने को मिलेगा। तो पहले बारे को अगर डाउनलोड करते हैं, आपको आप अपने हिसाब से उसे एनिमेट करना है, मतलब उसे अपने हिसाब से मूवमेंट करवाना है, जिसके उसका चलना और फ्लाई करना और जंप करना वो अपने हिसाब से करना है। अगर आप सेकंड वाले को चूज़ करते हैं, तो वो जो फॉर्मेट है वो प्रिज्मा 3D फ्रेंडली है। आप उसको आपको एनिमेट करनी नहीं पड़ेगी, जो कि हमने ऑलरेडी अपने हाथों से उसे एनिमेट करके डाला गया है। आप सिंपली उसे डाउनलोड कर लीजिए और प्रिज्मा 3D में इंपोर्ट करके उसे यूज़ कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने आगे की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अपने हिसाब से करना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट जो है फाइल को डाउनलोड करके आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि आगे की जो प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हर वक्त की तरह एक छोटी सी लाइक और प्यार भरी कमेंट्स कर देना, और कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आगे की जो प्रोसेस। AC, the amazing creation. Let's reflect your imagination. हम मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, प्रिज्मा 3D को ओपन करेंगे। तो दोस्तों, प्रिज्मा 3D को ओपन करने से पहले हम वो 3D मॉडल को डाउनलोड करना है, जिसके साथ हम अभी जो जिसमें हम एनिमेशन डालने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो में हमने बता चुके हैं कि किस तरह और कौन सी फाइल और कहां से किस वेबसाइट से डाउनलोड करना है, ये सारे के सारे जो है क्लियर कर चुका हूं मैंने पहले से। तो दोस्तों, अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है इसी तरह का मॉडल, तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप हमारे ब्लॉग से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले आप सिंपली उसे पहले डाउनलोड कर लीजिए, देन स्टार्ट करेंगे जो आगे की जो प्रोसेस है। तो दोस्तों, आफ्टर डाउनलोडिंग हम अभी
ओपन करेंगे प्रिज्मा 3D एप्लीकेशन को, तो आप जैसे कि सामने देख पा रहे हैं प्रिज्मा 3D एप्लीकेशन की आइकन है, तो सिंपली उसे हम ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों ये रहा प्रिज्मा 3D के जो इंटरफेस एप्लीकेशन के उसके इंटरफेस। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है पहले से हमने एक्सप्लेन किए हैं हाउ टू इंपोर्ट 3D मॉडल्स फ्रॉम मैनेजर फाइल मैनेजर। तो गाइस आपको तो पता है ऑलरेडी, तो मैंने इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, चलते हैं मुद्दे के ऊपर। दोस्तों सिंपली यहाँ पर इंपोर्ट करके हम इनपुट करेंगे हमारे जो 3D मॉडल। तो सिंपली यहाँ से हम डाउनलोड फोल्डर में चले जाएंगे और यहाँ पर ये जो 3D फोल्डर है मतलब 3D मॉडल के जो डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जब ओपन करेंगे वो पहले की तरह दो फोल्डर आपको नज़र आएगा, जैसे कि सोर्स और टेक्सचर। तो टेक्सचर को आपको पहले जो काम करना है इसे JPG में कन्वर्ट करना है, कोई कोई में JPG ऑलरेडी होके रहता है, अगर नहीं होगा तो आप इसे JPG नेम में रीनेम कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपली अभी क्या करेंगे हम सोर्स को ओपन करेंगे और ये जो fpx.fbx फाइल को हम अभी सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लोड इनपुट मॉडल होगा, कुछ सेकंड के बाद ये आपके सामने इनपुट हो जाएगा। दोस्तों सिंपली इसे क्लोज कर लीजिए, अभी आप देख सकते हैं ये हमारा मॉडल है हमारे सामने आ चुका है। दोस्तों सिंपली इसका जो फाइल है इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर हम इसका जो रोटेशन चेंज करेंगे, तो सिंपली आप मैन्युअली कर सकते हैं और यहाँ पर नंबर डाल के भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम वाई एक्सिस को अभी 90 पर सेट करेंगे, ये ठीक हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी इसको साइज सेट करेंगे मतलब रीसाइज करेंगे, यह हमें थोड़ा बड़े साइज में चाहिए तो इसे हम 4 रखते हैं। आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। दोस्तों ये होने के बाद हमारा जो लास्ट एक्सिस को उसे भी हम 4 के साथ सेट कर देंगे। दोस्तों ये होने के बाद हम सिंपली इसे क्या करेंगे, रोटेट करके इसे थोड़ा बीच में ले आएंगे। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है हमारा ये है सेंटर पॉइंट। दोस्तों यहाँ पर लाने के लिए कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये तकरीबन आ चुका है। तो दोस्तों ये आने के बाद हम सिंपली इसे थोड़ा अप करेंगे, ये होने के बाद आप देख सकते हैं सिंपली इसे रोटेट करके। तो दोस्तों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट थिंग, अभी हम इसके जो टेक्सचर है उसे ऐड करेंगे। तो दोस्तों इसको ऐड करने से पहले हमारे काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किए थे कि ये जो टेक्सचर हम ऐड करते हैं ये ऐड नहीं हो रहा है बल्कि ये बैक हो जा रहा है, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ये गायब हो जा रहा है, तो फिर से एक बार इसे इनपुट करना पड़ता है। दोस्तों इसकी प्रॉब्लम के लिए हम क्या करेंगे, इसके सिंपली हम क्या करेंगे, इसको हम 3 बार ऑप्शन पर क्लिक करके जो आपका राइट कॉर्नर में है टॉप राइट कॉर्नर में है, तो यहाँ पर हम सिंपली सेव कर लेंगे, इसको एक नेम डाल के सेव कर लेंगे। दोस्तों जैसे कि हम एक कोई सा भी एक नेम डालते हैं,
दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रीनेम होके सेव हो गया। अभी आप अगर टेक्सचर ऐड करते हैं तो ये इसकी जो दिक्कत है, आप जो दिक्कत फेस करते हैं ये अभी नहीं होगा। तो सिंपली टेक्सचर को सिलेक्ट कीजिए, आपको एक शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा जो मॉडल। तो दोस्तों ये तो आ गया, अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो हेलीकॉप्टर जो है उसका अभी हम ऐड करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये एनिमेटेड ओबीजी फाइल चाहिए, मतलब एनिमेटेड 3D मॉडल चाहिए इसकी, तो आप हमारी जो ब्लॉग से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा जो एनिमेटेड और विदाउट एनिमेशन। तो दोस्तों आप सिंपली वो जो एनिमेटेड जीप फाइल को डाउनलोड करके आप डायरेक्टली यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको दिखा दे रहे हैं हम एक प्रीसेट बना के रखे हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम वो जो मॉडल का जो नेम यहाँ पर है, तो आपको सिंपली इसे सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा जो है यहाँ पर इनपुट हो चुका है। और गाइस आप जब भी ये काम कर रहे हैं इस मॉडल के साथ, कभी भी इसे बैक मत करना, कभी भी इसे बैक नहीं करेंगे। अगर बैक करते हैं आपको इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा, ये स्क्वीज हो रहा है, ये स्क्वीज हो जाएगा। ये जो मॉडल है इसका बनावट, ये हाई क्वालिटी जो एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर से ही बनाया जा रहा है, जैसे कि ब्लेंडर और बहुत सारे मॉडलिंग सॉफ्टवेयर हैं उसमें ये बनाया जाता है। तो इसलिए दोस्तों हमारे मोबाइल में ये थोड़ी ग्लिच हो रहा है, इसलिए आपको बैक नहीं करना है। जो चीज़ करना है सिंपली इसे करके एनिमेशन परमेशन इसे वगैरह वगैरह ख़त्म करके सिंपली यहाँ पर रेंडर करके निकल जाएंगे। हमारा वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद आप बैक हो सकते हैं। अगर आप अभी बैक करके फिर ओपन करते हैं, ये इस हेल्प में नहीं रहेगा, ये बदल जाएगा, ये स्क्वीज हो जाएगा, एक बेकार जो नज़र है बहुत ही घटिया हो जाएगा। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह का जो आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसलिए आपको क्या करना है, पहले एनिमेशन कर लेना है, अपना सारे काम ख़त्म करके यहाँ से बैक होना है। तो दोस्तों आपको आप देख सकते हैं हम सिर्फ यहाँ से ये प्रीसेट ऐड किए हैं इसको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हम अगर इसे प्ले करेंगे तो ये इसके जो एनिमेशन मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो एनिमेशन ये एनिमेटेड है, ये हमने खुद बनाया है। तो इसका जो टाइम लैप्स है इसको हमने इस नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाले हैं। अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं, सीख सकते हैं वहाँ से। तो दोस्तों ये टाइम लैप्स में होगा, आप सीख जाएंगे। पहले आपको बता देंगे कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या गाइडेंस है, देन टाइम लैप्स करके देखने वाले हैं, वीडियो को अपलोड कर देंगे, आपको मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको ये डायरेक्ट एनिमेशन चाहिए, एनिमेटेड मॉडल चाहिए, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिटेल एक्सप्लेन करके वहाँ से अपलोड किया है, मतलब ब्लॉग्स बना चुके हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अपने हिसाब से बनाएंगे मॉडल बनाने के लिए, तो आप नेक्स्ट वीडियो से थोड़ी गाइडेंस ले सकते हैं। तो दोस्तों ये होने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे, आप तो यहाँ पर इनपुट हो चुका है, अभी हम क्या करेंगे, ये मॉडल को यहाँ से उठाकर यहाँ सेट करेंगे, यहाँ से इसे जंप करवाएंगे, यहाँ से मूव करेंगे और यहाँ से जंप कराएंगे नीचे की तरफ, जैसे कि हम पहले जो छोटी सी क्लिप में आप देखे हैं।
दोस्तों ये बहुत ही शानदार नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही नेचुरल, बहुत ही रियलिस्टिक नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, मूव करवा के सही स्थान पर सेट करेंगे। तो दोस्तों अगर इस मॉडल को आप डाउनलोड करते हैं, आप बेझिझक बहुत ही कम समय में बहुत ही आसानी से आप इसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आपको ये बहुत टाइम लगा था, मुझे तो एक हफ्ता लग गया था, आपको अगर प्रैक्टिस है तो आप बहुत ही जल्दी कर सकते हैं, नहीं तो बहुत टाइम ये आपका वेस्ट कर लेगा। तो इसलिए हमने बना चुके हैं, तो आप सिंपली डाउनलोड करके इसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये होने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे, इसको सेट करवाएंगे जहाँ से ये जंप कर रहा है। तो दोस्तों सिंपली इसे प्ले करेंगे और ये जो ग्रीन कलर के जो बार है इसके साथ हम जहाँ पर ये जंप कर रहा है इसे हम पॉज कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम सेट कर देंगे, ये जो पोजीशन है हम अभी उसे इसकी जो पोजीशन को हम यहाँ पर ले आएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करेंगे, ये जो एक्सिस के जो है एरो को हम सिंपली पीछे की तरफ मूव करवाएंगे। दोस्तों आप सिंपली इसे रोटेट करके आप सेट करवा सकते हैं यहाँ पर, ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपके बहुत टाइम सेव हो जाएगा। इस मॉडल से हम पहले से ये बनाकर अपलोड कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आपके हिसाब से कोई भी कहाँ से भी कहीं पर भी इसे सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हो चुका है। तो दोस्तों ये होने के बाद हम ढूंढेंगे कि हमारा जो ग्रीन बार यहाँ पर एनिमेशन जो की फ्रेम के लिए है ये कहाँ पर है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं 228 पर है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे अगर स्लाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका जो एनिमेशन की फ्रेम। दोस्तों ये है हमारा मेन पॉइंट, तो यहाँ से ये लैंड को छोड़ रहा है, मतलब इसे जंप कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक की फ्रेम डाल देंगे। की फ्रेम डालने के लिए हम यह इसका सहारा लेना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक जो ग्रीन कलर को सेट करके जहाँ पर एक की फ्रेम डालना है तो यहाँ पर रख दें। देन अभी क्या करेंगे, इसे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर की फ्रेम एक लग गया। तो दोस्तों की फ्रेम लगाने का तात्पर्य ये है कि क्योंकि हमने, आप देख सकते हैं ये हो गया, ये तो सब ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो है अभी जो मूव कर रहा है ये जो मॉडल के अंदर घुस जा रहा है। दोस्तों इसको हम हल के लिए हम क्या किया, उस यहाँ पर एक की फ्रेम लगा दी। दोस्तों यहाँ तक तो ठीक आ रहा है, तो यहाँ पर भी एक की फ्रेम लगा देते हैं, जहाँ पर ठीक है तो वहाँ पर एक की फ्रेम डाल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, ये पीछे आप देख सकते हैं इसका जो पैर है, जो पैर का पर्सन है ये अंदर की तरफ चला गया। तो दोस्तों ध्यान रखना कि ये सिलेक्ट रहे, अगर ये सिलेक्ट हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, याद रखना ये आप इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके रखना है, उसे एनिमेशन करते हैं, उसे सेट करते हैं तो उसी को ही सिलेक्ट करेंगे। तो सिंपली इसे सेट कर लेंगे 140 पर और इसे थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हर एंगल पर आप देख सकते हैं इसे। दोस्तों यहाँ पर एक की फ्रेम डाल देंगे, की फ्रेम डालने के लिए इसे सेट कर ली और इसको हो गया, हमारा की फ्रेम सेट हो गया। फिर थोड़ा पीछे की तरफ स्लाइड करेंगे, यहाँ पर
आप देख सकते हैं ये यहाँ पर भी इसका पैर जो है अंदर की तरफ घुस जा रहा है। दोस्तों इसके लिए हम यहाँ पर भी एक की फ्रेम डाल देंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम की फ्रेम डालेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आप पहले तो ग्रीन कलर को सेट कीजिए, पहले इसे सेट कर लीजिए कहाँ से की फ्रेम डालना है। हो गया सेट। होने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली सर इसको थोड़ा आगे ले आते हैं ताकि आपको पता चल सके कहाँ तक रखना है। तो दोस्तों ये हो गया, ये आपके सामने जो है आप 90 पर सेट कर दिए हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे, इसके जो पोजीशन है उसे हम सही करेंगे। तो दोस्तों ये सेट हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, सेट होने के बाद कुछ कहीं पर भी हाथ नहीं लगाना, 90 पर क्लिक हो गया है, इसे सेट कर लिए हैं। अभी हम क्या करें, यहाँ पर एक की फ्रेम डाल देंगे। तो दोस्तों की फ्रेम बहुत ही अच्छा फीचर्स है जिसके बारे में हर एक एनिमेशन में जिसका यूज होता है। अगर आप इसको यूज करना सीख लें तो एनिमेशन आपका चुटकियों में आप खूबसूरत सा एनिमेशन बना सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से ये जंप करेगा। अभी जंप करने के बाद उसे थोड़ा नीचे की तरफ लाना है। दोस्तों ये जब नीचे की तरफ आ रहा है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे एक छोटा की फ्रेम डाल देंगे। ओके ओके, की फ्रेम डालने के बाद हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे इसे नीचे की तरफ लाना है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका पोजीशन थोड़ा ना अंदर चला गया है, इसके थोड़ा रोटेट कर देंगे। दोस्तों ये हो गया है। अभी हम यहाँ पर एक की फ्रेम डाल दें। दोस्तों अभी प्ले करके देखते हैं कैसा नजर। दोस्तों ये रहा हमारा फाइनल जो है मॉडल का जो है हरकत। तो दोस्तों जैसे ही देख पा रहे हैं हेलीकॉप्टर फॉल हो रहा है, जैसे लग रहा है वाटरफॉल के सामने। ये बहुत ही शानदार, अब बहुत ही रियलिस्टिक जो एनिमेशन आप इस तरह का सेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो दोस्तों होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ी सी भी पसंद आए और कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि इसके बारे में आप उनको भी पता चल सके। तो दोस्तों अभी और एक बात रह गई है जो कि कैमरा एंगल्स। तो दोस्तों कैमरा एंगल सेट करने के लिए बस इसे सेव कर लेते हैं पहले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा अगर हैंग हो गया मोबाइल। तो ये सेव हो गया। ओके सेव होने के बाद हम सिर्फ अभी क्या करेंगे, कैमरा एंगल्स सेट करेंगे। तो जैसे कि देख पा रहे हैं ये आ रहा है, यहाँ पर एक कैमरा एंगल, यहाँ पर एक कैमरा डालेंगे। ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से निकल कर जा रहा है। तो यहाँ पर एक कैमरा एंगल सेट करवा देंगे। ओके ये निकल के गए। तो यहाँ पर एक इसके लिए यहाँ पर पॉज करेंगे और कैमरा को सिलेक्ट करेंगे। ओके यहाँ पर कैमरा आ गया, तो इसका नाम दे देते हैं इसके नंबर वन ले देते हैं। ओके ये होने के बाद
आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लिखा है जंप इन। ओके, जंप इन को सिलेक्ट कर लेंगे ताकि हम कैमरा, अभी हम कैमरा के थ्रू देख रहे हैं, अगर ये देख रहे हैं ना जंप इन लिखा हुआ है तो इसलिए हम कैमरा के थ्रू देख रहे हैं इसे। अगर हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं तो कैमरा से निकल जाएंगे, हम कैमरा को भी देख सकते हैं। तो सिंपली इसे क्लिक कर लीजिए, सेट करने के बाद कैमरा एंगल सेट करने के बाद इसे सिंपली क्लिक कर लीजिए। ओके, हम अभी निकल चुके हैं कैमरा से, अभी आप देख सकते हैं कैमरा को भी वही उस स्थान पर भी रह गया है। ओके दोस्तों, ये है ट्रिक आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पर एक कैमरा फिक्स हो गया, अभी हम क्या करेंगे इसके जो पैर का है यहाँ पर एक हुए, आप देख सकते हैं प्ले करके
तो गाइस ये है कैम फोर का व्यू। ओके यहाँ पर फिर एक बार सॉरी कैम फोर का नहीं ये कैम फाइव का है। ओके इसका इसका भी नामकरण कर लेते हैं। ओके बस इतना ही रहने देते हैं। अभी हम क्या करेंगे जंप इन कर लेंगे। तो दोस्तों जंप इन करने से पहले आपको बता दे रहे हैं कि ये जो फुटेज है हम इसे अपनी जो विजुअल में सॉरी इसको हम वीडियो में एडिट कैसे करें, मतलब इसको एज ए ग्रीन स्क्रीन कैसे यूज़ करें। हमारे जो प्रोजेक्ट हैं कोई एक हेलीकॉप्टर कोई एक वीडियो वीएफएक्स करेंगे तो इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, आपको एक ही वीडियो में बहुत सारा चीज़ सीखने को मिल रहा है, तो लाइक करने में कंजूसी ना कीजिए। आपका छोटी छोटी फीडबैक और छोटी छोटी कमेंट्स हमें बहुत ही मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियो लाने के लिए, आपके बारे में सोचने के लिए, इस वीडियो के बारे में सोचने के लिए जो मोटिवेशन हमें मिलती रहती है। तो दोस्तों लाइक कमेंट करना ना भूलें, छोटी सी कमेंट आपके हमारा हौसला बुलंद कर रहा है। दोस्तों ये सोच कर ये सब करते रहना है ताकि हमें भी पता चल सके कि हम मेरा थॉट्स जो है मेरा फीलिंग्स आपके तक पहुंच रहा है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो है बैकग्राउंड को हम क्या करेंगे ग्रीन करेंगे या पिंक करेंगे, एक सिंगल कलर में चेंज करेंगे ताकि हम इसे रिमूव करके कोई एक स्काई डाल सकते हैं, इसके इनके यहाँ पर एक स्काई लगा सकते हैं और कैमरा थ्री में यहाँ पर एक लगा सकते हैं और कैमरा टू में यहाँ पर एक लगा सकते हैं बैकग्राउंड। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली कैमरा को चूज़ करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड है। ओके बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है। ओके दोस्तों इसके लिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए है अभी हम क्या करेंगे एक कलर चूज करें। तो दोस्तों हम अभी इसके ग्रीन चूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑलरेडी ग्रीन है। अगर हम ग्रीन चूज करते हैं ये बैकग्राउंड के साथ ये भी गायब हो जाएगा, मतलब ये भी क्रोमा की से ये भी निकल जाएगा। तो दोस्तों क्रोमा की के बारे में अगर आपको भी डिस्कशन सॉरी आपको चाहिए वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसको हम एक अलग सा कलर में सेपरेट करेंगे। तो दोस्तों पिंक कलर काइन मास्टर में अच्छे तरीके से रिमूव हो रहा है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों ये कलर बहुत ही शानदार है काइन मास्टर में, किनी मास्टर अगर आप यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर आपको एडिट करने के लिए वीडियो, तो ये बहुत ही शानदार शानदार कलर है, उसके साथ फ्रेंडली है, आप उसे आसानी से रिमूव कर सकते हैं एक क्लैरिटी के साथ। ओके इसी तरह हर एक वीडियो हर एक कैमरा को चूज करेंगे और इसे कलर को बैकग्राउंड कलर को पिंक में कन्वर्ट करवा देंगे। ओके ये हो गया, देन कैमरा वन हो गया, कैमरा टू हो गया, कैमरा थ्री हो गया, कैमरा फोर सॉरी कैमरा वन हो गया, कैमरा टू हो गया, कैमरा थ्री नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसे भी हम सेट कर लेते हैं। ओके दोस्तों ये बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपको दिखने को मिलेगा, आप अगर एक बार ट्राई करेंगे आप फिर बताएंगे। दोस्तों यहाँ पर भी एक बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पर हम कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं कि नहीं। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं वीडियो बैकग्राउंड रिमूव करके, तो यहाँ पर एक छोटी छोटी वीएफएक्स
इसका कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब ये जो वाटरफॉल है यहाँ पर एक फिर एक बार फिर एक वाटरफॉल ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह का इस बैकग्राउंड का रिमूव करके बहुत सारा काम करवा सकते हैं। और यह तो आपको पता है स्काई कलर, स्काई बैकग्राउंड जो है यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आपको समझने में दिक्कत आ गया तो आपको हमारे कमेंट करेंगे तो हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों आपको देख सकते हैं ये लाइट में प्रॉब्लम आ रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर लाइट भी सेट करवा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये एनिमेशन काम का ख़त्म हो गया है, अभी हम क्या करेंगे, अभी लाइट पर काम करेंगे। ओके यहाँ पर लाइट, तो दोस्तों हम बाहर निकल जाते हैं कैमरा से। कैमरा निकलने के बाद हम क्या करेंगे, तो जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों हमारे ये जो कलर है ये कलर जैसा कि जैसा है। अगर हम कैमरा के थ्रू देखते हैं यहाँ पर, अगर कैमरा के थ्रू देखते हैं तो हमें ये कलर जो चेंज नज़र आ रहा है, क्योंकि कैमरा का बैकग्राउंड जो है हम ये पिंक कर लिए हैं, इसलिए हमें पिंक नज़र आ रहा है। तो नहीं तो हमारे जो गेम की सॉरी हमारा एप्लीकेशन इंटरफेस है जैसे कि हो जैसे ही है वैसे ही। ओके तो दोस्तों ये होने के बाद हमें इसका टेक्सचर जो है ऐड करेंगे। आपको वहीं से हमारे जीप फाइल से टेक्सचर भी आपको मिल जाएगा, टेक्सचर भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को सेव कर देते हैं सॉरी एनिमेशन को। ये होने के बाद हमें इसे जो इसका टेक्सचर सेट करें। ओके सिंपली इसे सेव करते हैं, तब देन इसे चूज करते हैं, देन कहीं पर भी एक सिलेक्ट करेंगे जब तक ये टेक्सचर ऑप्शन ना आए। ओके ये होने के बाद आप देख सकते हैं प्रॉक्सी सिलेक्ट हुआ है, नहीं तो इसका टेक्सचर जो है चेंज हो जाएगा। इसका टेक्सचर इसके लिए चेंज हुआ है सॉरी सिलेक्ट हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, टेक्सचर पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ये होने के बाद हम सिंपली हमारा जो फोल्डर जो जिस पर आप डाउनलोड किए होंगे आप वहाँ से जाके उसे निकाल सकते हैं इसका जो टेक्सचर। तो दोस्तों यहाँ पर है, आप यहाँ से यहाँ पर बहुत सारे है मेटेलिक है। अब हमें ओरिजिनल जो टेक्सचर चाहिए तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों ये सिर्फ इसका ग्लास हुआ है, अब फिर एक बार सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा कम्प्लीटली ये हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसे लाइट लगा के सर इसका जो ये डार्कनेस है हम लाइट से इसे रिमूव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इवनिंग हो चुका है हमारे प्रिज्मा 3D में। ओके तो दोस्तों ये लाइट को हम सेलेक्ट करेंगे, अभी हम करेंगे इसको डे टाइम करेंगे मतलब मॉर्निंग करेंगे। दोस्तों ये रोटेशन पर क्लिक करेंगे, अभी हम लाइट को कोई एंगल से भी हम रोटेट करेंगे तो भी आप देख सकते हैं इसका जो कलर मतलब इसके जो ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह आपको इसको मॉर्निंग और इवनिंग की फ्रेम डाल के इसको सेट कर सकते हैं। तो आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, अगर ये हो गया यहाँ पर एक क्या हो गया एक सेट कर देंगे की फ्रेम। ओके यहाँ पर एक सेट कर देंगे की फ्रेम। ओके अभी कुछ टाइम के बाद अभी हम क्या करें यहाँ पर एक की फ्रेम, यहाँ पर जहाँ पर की फ्रेम डालना है वहाँ पर ये जो बार को रखना है ये बार को रखेंगे, ग्रीन कलर बार को रखेंगे और इसमें मूवमेंट डालेंगे, ये जो लाइट में इसको रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद इसमें की फ्रेम डाल देंगे। चलिए रोटेट करते हैं। तो दोस्तों ये पूरी तरीके से दिन हो गया, होने के बाद अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर एक की फ्रेम डाल दें। ओके अभी प्ले करके देखते हैं किस तरह नज़रिया आ रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा जो मॉडल चल के आ रहा है, अभी जंप करेगा, अभी
दिन होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों है ना कमाल की चीज़। तो इस तरह आपका बहुत शानदार एनिमेशन बना सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइट सेट करके इसके ऊपर लाइट थोड़ा ज़्यादा डालने चलते हैं। इस तरह आप सेट करके इसे बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली विजुअल हो रहा है। तो दोस्तों आप अगर नीचे की तरफ लाइट लगाना चाहते हैं तो इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे इसका पोजीशन जो है इसका इसको रोटेट करके इसी के नीचे की तरफ भी लाइट लगा सकते हैं। ओके तो दोस्तों ये था कुछ नया सिखाने की प्रयास में। अगर आप कुछ कुछ सीख लिए हैं, कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी ज़िम्मेदारी है। और अच्छे अच्छे कमेंट्स हमारे तक पहुंचाइए और आपका जो प्रॉब्लम्स हमारे तक पहुंचाइए ताकि हम उसका सलूशन निकल सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटी सी प्रयास आपको कुछ नया सिखाने के लिए। तो प्यारे दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है, इस तरह का वीडियो को तो जो करना है करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करने से नहीं होगा, पास में बेल आइकन को भी इनेबल कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो प्यारे दोस्तों आप अपने बेहद कीमती वक्त हमें दिया, इसलिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहिए। सब्सक्राइब टू वॉच मोर वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड।